आज हम क्लास 11th फिजिक्स और नीट आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो, जो इस जिसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा बेसिक मैथ। इसका मतलब मैं क्लास 11th और 12th को पूरी फिजिक्स पढ़ाने से पहले पहले उन फिजिक्स में जितने बेसिक मैथमेटिक्स यूज होते हैं, जिनका कैलकुलेशन करते वक्त हमें असुविधाएं होती हैं, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक मैथ सिखाने वाला हूं। और जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ जाएगा, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, तो उसमें जितने भी फार्मूलों का डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो या अदर जो भी चीजें हैं, उनकी कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा अगर कोई मैटर करता है तो वह बेसिक मैथ होता है। अगर किसी बच्चे का बेसिक मैथ ठीक नहीं है तो समझ लो उसका नीट आईआईटी का ख्वाब कंप्लीटली अधूरा है। देखो, डेफिनेशन रटना ना रटना ये मैटर नहीं करता है, डेफिनेशन है कोई भी रट सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में आपके नीट आईआईटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में डेफिनेशन ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि डेफिनेशन तो बोर्ड तक ही सीमित होता है, बोर्ड में डेफिनेशन आएगा, लेकिन आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन करने के लिए आपका बेसिक मैथ का आना जरूरी है। इसलिए हमें गौर करने वाली बात है कि बेसिक मैथ हम सीखें। मैं आपको बहुत सारा ट्रिक सिखाऊंगा इसमें दशमलव का गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो भी होंगे, ये बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूं इस सीरीज में, और ऐसे करके पूरी 11th और 12th की सारी फिजिक्स की टोटली वीडियो आपको यूट्यूब से फ्री में अपलोडेड मिलेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। याद रखना, हमें पढ़ते वक्त बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं को ये देख करके, ये फील करके छोड़ देने हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की जो बत्ती होती है, रेड कलर की बत्ती जलती है, थोड़ी देर वेट कर लेने के बाद फिर ग्रीन हो जाती है। इसलिए जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ऊपर समस्याएं आती हैं, तो उसे छोड़ के भागे नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, थोड़ी सी वेट कर ले, समस्याएं धीरे से खत्म हो जाएंगी। भाई अगर लंबी, जिसकी सोच लंबी हो, उसके लिए हार्ड वर्क भी लंबे समय तक करना होता है। आप ये स्टेटमेंट में बहुत सारी कहानियों में सुने होंगे कि अगर कोई रिक्शा जाता है तो लोग उसे रोकने के लिए सीटी बजाते हैं, सीटी सुन के रिक्शा वाला रुक जाता है, लेकिन वही अगर कोई एरोप्लेन वाला, अगर कोई एरोप्लेन से सफ़र करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो एरोप्लेन में बैठने के लिए उसे जा करके एयरपोर्ट पर 2 घंटा पहले से वेट करने पड़ते हैं। उसको सीटी बजाने से वह नहीं रोक सकता है। जानते हैं क्यों? वह इसलिए नहीं रोक सकता है क्योंकि रिक्शे को बनने में ना 2 दिन लगते हैं और एरोप्लेन को बनने में 2 साल लगते हैं। तो जिसको बनने में जितना ज़्यादा समय लगेगा ना, इस पूरे यूनिवर्स में उसका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आप बहुत छोटी सी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के सफ़र के लिए नहीं निकले हो, आपकी सफ़र बहुत लंबी है। जेई नीट की सफ़र एक लंबी प्रिपरेशन के बाद होती है, एक लंबी सफर के बाद सफलता मिलती है। तो याद रखना, ये उतना ही इंपॉर्टेंस दे के जाती है जितनी लंबी इंतजार हमें करने पड़ते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन का शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आपको समझना है, समझ समझ के पढ़ना है। उसके पढ़ने के मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहले से अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बोल तो रहा हूं, एकदम बेसिक से बहुत हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं, वो अभी फ्री क्लास आपको देंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसलिए अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उस रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। विदाउट रूल रेगुलेशन का पालन किए आप ये सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। और वह रूल रेगुलेशन क्या है, थोड़ा सा फील करोगे। देखो, लिखा है नीट आईआईटी फिजिक्स, इसका मेन स्टडी करने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि आपके अंदर रेगुलरिटी ये कूट कूट की भरी होनी चाहिए।
ये रेगुलरिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप ये सुने होंगे, बहुत सारे हिंदी में स्टेटमेंट सुने होंगे कि एक रस्सी से अगर पत्थर को काटा जाए ना तो पत्थर रस्सी से नहीं कट सकता है, लेकिन अगर उसी पत्थर पे रस्सी बार बार अगर आए जाए ना तो उस पर कटने के निशान बन जाते हैं। इसका मतलब असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे गौर करने हैं तो रेगुलरिटी पे। आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करेंगे, रेगुलर एक भी दिन अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। आपकी वर्क रेगुलरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि चार वीडियो एक दिन देख लिए उसके बाद 10 दिनों तक कोई वीडियो नहीं देखे, नहीं आने वाला। आप एक एक वीडियो देखो, 45 से 50 मिनट की सेशन है, इतने देर में बहुत कुछ तो बिगड़ने जाने वाला है। 45 से 50 मिनट के सेशन में आपको रेगुलर एक वीडियो देख लेने हैं। अभी मैं बताऊंगा देखने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहला, आपको क्लास अटेंड करने की रेगुलरिटी होनी चाहिए, और सेकंड, रेगुलरिटी के साथ साथ जो लेक्चर आप देख रहे हो, चाहे वो किसी का भी लेक्चर हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा लेक्चर, इब्राहिम सर का लेक्चर देख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। जिसकी लेक्चर आपको समझ में आए, उसकी लेक्चर अगर देख रहे हो तो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आप देख ले, देखा देखी सब इंग्लिश मीडियम वाले आईआईटी की तरफ, आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं और वह भी इंग्लिश मीडियम है, तो आप देखा देखी इंग्लिश मीडियम वाले की जैसे मत भाग जाए। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ आए आप उसी से पढ़ें। तीसरी चीज़ें ये है कि कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। आप पढ़ने को तो पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिसकी मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। ये कैलकुलेशन जबरदस्त होनी चाहिए। अब देखें, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए मेरे पास कितने स्टेप्स हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। पहला नंबर, पहली आपकी स्टेप्स ये है कि आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करेंगे, फर्स्ट। दूसरी स्टेप आपका ये है कि लेक्चर देखते वक्त आपको नोट्स भी प्रिपरेशन करने होंगे, सॉरी नोट्स बनाने होंगे, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, हर हाल में नोट्स बनाना पड़ेगा, ये नोट्स। तीसरा, टीचर जब लेक्चर देता है, पढ़ाता है, नोट्स आप बनाए, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो आपका वर्क होता है, आपको घर से करना पड़ता है, तो आपको ये भी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो उसमें आपको होमवर्क मिले ये इसमें फोकस होनी चाहिए। पहले तो लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर अटेंड करते वक्त एक कलम कॉपी लेके बैठ जाएं, पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, उसके बाद उस नोट्स में जो आपको होमवर्क मिलेंगे उस होमवर्क पे फोकस करें, उसको करें। करने के बाद आप क्या करें, होमवर्क कर लें, उसके बाद कुछ देर तक बैठ जाएं, और बैठने के बाद आप ये मंथन करें, इमेजिन करें कि क्या मेरी पढ़ी हुई चीजें, मुझे प्रिपरेशन है कि नहीं है, आंख बंद करके सोचें कि क्या मैं जितना पढ़ाऊं वह सारा पढ़ाई मेरे दिमाग में है या नहीं है। अगर आप शिद्दत से पढ़े होंगे, आपकी मेहनत में लगन होगी, शिद्दत होगी, तो कन्फर्म है कि जब आप मंथन करेंगे तो जितनी चीजें पढ़े होंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो अपनी आंखें खोलें और उस सभी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करें, ये रिवाइज करें, और रिवाइज करते वक्त अगर कोई समस्या आए तो आप फिर से लेक्चर को देख के उस समस्या का समाधान करें, ठीक। ये हमारे पढ़ने के स्टेप्स होते हैं। अब देखें स्टार्टिंग कहां से मेरे होने वाले हैं, यहां से। फिजिक्स को पढ़ने से पहले उसमें कुछ 60 फॉर्म में चीजें लिखी हुई होती हैं, उन 60 फॉर्म में लिखी हुई चीजों को समझना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जरूरी होता है कि 60 फॉर्म में लिखी हुई चीजें है क्या। मैं उन सभी चीजों को लेके आया हूं जो आमतौर पर फिजिक्स में यूज होते हैं। जैसे आपके पास लिखा होता है पीसी, या देखो लिखा है पीसी, पी फॉर पीको, सी फॉर कूलम, और पीको कूलम यह है, और हम जानते हैं 1 पीको कूलम इक्वल टू होता है 10^-12 कूलम, 10^-12 कूलम, ठीक। उसके बाद आता है एनसी, एन फॉर नैनो, सी फॉर कूलम, और हम पढ़े 1 नैनो कूलम इक्वल टू होता है 10^-9 कूलम, ठीक। इसके बाद आता है एमसी, एम फॉर मिली, सी फॉर कूलम, मिली कूलम है, और 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10^-3 कूलम।
ये नोट्स में आपको लिखते चलने हैं भाई, मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूं आपको ये। इसके बाद से आता है माइक्रो कूलम। माइक्रो ये वाला को कहते हैं माइक्रो, और ये वाला है आपका कूलम, लिखे भी है माइक्रो कूलम। और एक माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10^-6 कूलम। इसके बाद से आता है के एम, के फॉर किलो, एम फॉर मीटर, और एक किलोमीटर, क्योंकि एम के एस ए प्रणाली में सभी दूरियों को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो यहां पे आया है के एम, के फॉर किलो, एम फॉर मीटर। और एक किलोमीटर बराबर होता है 10^3 मीटर, और 10^3 को आप कह सकते हो 1000 मीटर, ये होता है। यानी एक किलोमीटर इक्वल टू 10^3 मीटर कह लो, या 1000 मीटर कह लो, चलेगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है सी एम, सी फॉर चीफ, एफ फॉर एम फॉर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मीटर, और सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10^-2 मीटर। इसके बाद आता है एम एम, एम फॉर मिली, एम फॉर मीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर, ये। इसके बाद लिखा होता है के जे, के फॉर किलो, जे फॉर जूल, और हम पढ़े कि 1 किलो जूल बराबर होता है 10^3 जूल, या 1000 जूल। साथ में आता है एम डब्ल्यू, एम फॉर मेगा, डब्ल्यू फॉर वाट, और 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10^6 वाट, ये होता है। इसके बाद आता है जी एन, गुड नाइट नहीं, जी फॉर गीगा, एन फॉर न्यूटन, और 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू होता है 10^9 न्यूटन। 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू 10^9 न्यूटन, 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू 10^9 न्यूटन। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, इन पॉइंट को याद रखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद आता है 1 FM, 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 फर्मी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं FM, ये दूरियां मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है FM, और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10^-15 मीटर। ये इतने स्टेप्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये 1 आप देख लो, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, इतना मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर ये वाला फर्स्ट लेक्चर आप अटेंड कर लेते हो तो दशमलव से आप नहीं डरोगे, दशमलव वाली कैलकुलेशन से नहीं डरोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको फर्स्ट लेक्चर अटेंड करते वक्त धैर्य के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक। आओ यहाँ पे आ जाओ, दशमलव का गुणा और भाग सीख लेते हैं। ये मेरे पास कुछ फार्मूले टाइप्स हैं, जैसे 0 पॉइंट A हो और इसको हमें बदलना हो भिन्न में, कुछ नहीं करेंगे भिन्न में बदलते वक्त, या ऊपर सीधा सा ए लिख लेंगे, दशमलव के लिए 1 लिख लो, और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा लो, यानी 0.A इक्वल टू होगा A/10, ठीक। 0.A भी आ जाए, आसान तरीका है, ए बी जैसे है आप ए बी ऐसे लिख लोगे, यहां दशमलव के लिए 1 लिखो और इसके बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दो, ये आपका हो गया A/100। ऐसे अगर ए बी सी आ गया, ऐसे 0 पॉइंट आ गया ए बी और सी, तो आराम से आप ए बी सी जो आपके डिजिट यहां है दशमलव के बाद आप लिख डालो, और यहां दशमलव के लिए आप 1 लगा लो, और इसके बाद जितने अंक है उतना 0 बढ़ा लो। अब कहोगे सर अगर आ जाए ए पॉइंट बी सी डी, ऐसे आ जाए, कुछ नहीं करो भाई, आप ए बी सी डी सिंपल दशमलव हटाओ, ए बी सी डी सिंपल लिख लो, यहां दशमलव के बाद 1 अंक लगाओ, और जितनी दशमलव के बाद दशमलव के बदले 1 अंक लगा लो, और जितनी इसके बाद अंक है उतने 0, 1, 2, 3, 3 0, ठीक। ऐसे देखो, ये तो आपका हो गया। इस बेस पे अगर इनको मेरे को भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलोगे? देखो ये एक्यूरेट मेजर तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि फिजिक्स है, मैथ नहीं है, मैथ में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, फिजिक्स में आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है,
आसपास की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे ये 0.4 आया है तो इसको अगर भिन्न के रूप में आपको चेंज करने हैं तो कुछ भी नहीं करने हैं, चार लिख लो, ये सेम जैसे चार है लिख लो, यहां दशमलव के लिए एक लगाओ और इसके बाद एक अंक है एक जीरो बढ़ा दो। अब इसको काट सकते हो, दो दुने के चार और दो पचे दस, बात खत्म। ऐसे 0.5 आ गया तो ऊपर आराम से 5 लिख लो, यहां दशमलव के लिए एक बढ़ाओ और इसके बाद एक अंक है एक जीरो बढ़ा लो। अब काट सकते हो, पांच एकन्ने पांच और पांच दुने के दस। 0.6 है तो आराम से 6 लिख लो, यहां दशमलव के लिए एक लगाओ, इसके बाद एक अंक है एक जीरो बढ़ा दो। काट सकते हो, दो तीन आठ, 6 और दो पचे 10, ऐसे। ये 0.66 है, यहां से हमारे मेन कंसेप्ट शुरू होते हैं। देख लो कैसे, ऊपर आपको सिंपली 66 लिख लेने हैं, यहां दशमलव के लिए एक लिख दो, इसके बाद दो अंक है दो जीरो बढ़ा दो। इसको सिंपल काट लो, 33 से काट दो, 33 दुने के 66 और 33 दिया 99, 100 नहीं आता, 99 आ गया, नियर अबाउट 100 के करीब है। तो बस इसकी जगह पे आपको 2/3 लिखने हैं। मैं बोला हूं मैथ है, मैथ नहीं है, फिजिक्स है, और फिजिक्स में एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है तो चलता है, फील करना। अब ये नहीं कि आप कहना 99 आया, अभी एक बचा है, 33 में एक से भाग दो कि एक बहुत छोटी राशि प्राप्त होगी, कोई मैटर नहीं करेगा। इसलिए आपको अप्रॉक्सिमेशन वैल्यू जो होते हैं उसको लिखने होते हैं, सन्निकट मान को लिखने होते हैं, फील करना जरा। ऐसे ये 0.33 आया है तो आप क्या करो, ऊपर ऐसे 33 लिख लो, यहां दशमलव के बाद एक लगा लो दशमलव के बदले और दो अंक है तो लिख दो। अब देख लो 33 से करने 33 और 33 या 99, एक आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, एक्यूरेट मत देखना, जहां तुम एक्यूरेट देखे वहां मेजरमेंट तुम्हारा मिस्टेक हुआ, एक्यूरेट नहीं देखना होता है। और फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन बन के भी आते हैं कि जितना पे हम काम कर रहे हैं उतने पे आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आ गया 0.75 ही आ गया है तो आप आराम से यहां 75 लिख लो, दशमलव के लिए एक, इसके बाद दो अंक है दो जीरो बढ़ा दो, 25 या 75 और 25 शव को 100, कट गया। ऐसे ये 1.33 है तो आराम से ऊपर 133 लिख लो और नीचे दशमलव के लिए एक लगा और इसके बाद दो अंक बढ़ा दो जीरो। अब कितना बार में कटे, 33 शव को 132 और 33 या 99, देखो 4/3 नियर अबाउट हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। अब एक्यूरेट मत देखना कि नहीं कट रहा है भाई, दशमलव में आएगा नहीं, मैं बोला हूं इसके नजदीक वाले वैल्यू को ले लेने होते हैं, ये फिजिक्स है, प्योर मैथ नहीं है, ध्यान रखना। ये ऐसे ये 1.75 है तो आराम से आप 175 लिख लो ऊपर और नीचे दशमलव के लिए एक लगाओ, इसके बाद दो अंक है तो दो जीरो बढ़ा दो, 25 से काट सकते हो, देखो 25 सत 175 और 25 शिव को 100, ऐसा हो गया इस तरह। अब देखो इस बेस पे अगर आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करोगे, फेल करना है। जैसे ये 75 × 1.33 आ गया, यही पहले कैलकुलेट करना है, ऐसे यहां साइड में कर रहा है, आ जाए ऐसे 75 × 1.33, ऐसे ऐसे अगर तुम्हें कहे गुणा करने के लिए तो एक लंबी सी टाइम आप ले लोगे, गुणा करने में मिस्टेक होगा। गुणा कैसे करोगे, आप कहोगे 1.33 लिख लेंगे और इसमें 75 से ऐसे गुणा करेंगे तो प्रोसेस बढ़ेगा, बढ़ेगा यार, और इतनी हमारे पास टाइमिंग नहीं होती है कि हम गुणा करके इतनी देर तक रिजल्ट निकाले, इतनी टाइमिंग तो नहीं होती। नीट IIT के एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में 35 से 40 सेकेंड की टाइम लगते हैं, और उतने में आप इतना गुणा करोगे तो कई मिनट ले जाओगे और पता चलेगा कि उतना क्वेश्चन आपके छूटने ही छूटने हैं। इस वजह से आप जितना हो सकेगा शॉर्टली मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ठीक। चले इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितनी आसानी से, ऊपर ये 75 है लिख लो इनटू,
भाई 1.33 है ना, आप देखो 1.33 को बदले हो तो आया 4 by 3। अब काट दो भाई 25 × 3 = 75, भाई 25 × 6 को कितना आ गया 100, आंसर हो गया, बात खत्म। क्या इतना जल्दी उससे होता? नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। ऐसे और भी क्वेश्चन है, ऐसे आ जाए आपका क्वेश्चन, आपका कुछ ये 1.25 × 24 आ जाए और क्या इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका गुणा करिए तो कैसे करोगे? ये 1.25 है, देखो किधर चला गया, इसमें कहीं है 1.25 शायद नहीं है, चलो यहां लगा के देख लेते हैं भाई। 1.25 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई, देखो इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो ऊपर 125 लिख लो, दशमलव के लिए एक, इसके बाद दो अंक है लगा दो, 25 से काट दो, 25 × 25 = 125, 25 × 6 = 100, 5/4, यानी 1.25 को हल करोगे तो आएगा 5/4, ये इंटू है 24, 4 × 6 = 24 और 6/5 कितना हो गया 30 आ गया इतना। देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं, आपको इतना दशमलव का गुणा भाग का झंझटे खत्म हो जाएगा इसमें और आराम से आप लगाओगे, फिजिक्स है। चले इस बेस पे इस क्वेश्चन को करेंगे, ये दो क्वेश्चन तो अभी मैं एग्जांपल लेके हल कर दिया हूं। अब ये तीसरा देखो, यहां लिखा है 1.33 × 12, अब देखो 1.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.33 को लिख सकते हैं 4/3, 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू ये हो गया है 12, अब काट लो 3 × 6 = 12 और 4 × 6 कितना हो गया 16 आ गया भाई। ऐसे आ जाए, ये 16 है तो लिख दो 16, 0.25 है, अब थोड़ा सा 0.25 को भिन्न में बदल के देखो, ऊपर आराम से 25 लिख लो, या दशमलव के लिए एक लगाओ, इसके बाद दो अंक है 2 0 बढ़ा लो, 25 है करने 25 और 25 × 6 = 100, देखो 1/4 आया, इसका मतलब इसके जगह पे 1/4 लिख लेंगे, 4 × 6 = 16, तो देखो 4 × 1 = 4 आ गया रिजल्ट। ऐसे 0.66 है, देखो कि जरा लिए है क्या 0, देखो यहां 0.66, इसके जगह पे 2/3 लिख सकते हैं, तो ये 0.66 के जगह पे लिख देंगे 2/3 इंटू है 24, 3 × 8 = 24 और देखो 2 × 8 कितना हो गया 16, आंसर हो गया। 0.75 है, आप देखो इसमें 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4, तो ऐसे 0.75 को लिख सकते हो 3/4 इंटू है आपका 16, 4 × 6 = 16, ये 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, आंसर हो गया। इतनी आसान आसान कैलकुलेशन है आपको जो करने हैं, ऐसे आपके पास यहां भी दे रखा है, देख सकते हो आप यहां पे भी, इसको आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे, मैं ही बता देता हूं। 0. पहले 4 है ना, इसको 0.4 को आप पहले भिन्न में बदलो, ये 4 लिख लो, यहां दशमलव के लिए 1 लगाओ, इसके बाद 1 अंक है 1 0 बढ़ा दो, देख लो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, इसका मतलब 0.4 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू लिखा है 25, 5 × 5 = 25, तो देख लो 5 × 2 = 10 आया रिजल्ट, 10 आंसर हो गया। ऐसे ही आया है 42 × 0.71, अब पहले 0.71 है, इसको आप भिन्न में बदलो 71 को, ऊपर आराम से आप लिख लो 71, यहां दशमलव के लिए 1 लगाओ, इसके बाद 2 अंक है तो 0 बढ़ा लो, ठीक है, देखो कटने वाला है, हाँ 14 से काट, 14 × 5 = 70 और 14 × 7 = 98, नियर अबाउट, अरे यार लगभग ये 5 बार में कटेगा और लगभग लगभग एक्यूरेट तो 100 नहीं कटेगा, लेकिन लगभग लगभग ये 7 बार में कटेगा, तो लिख लो ना ये 42 लिख लो, यहां 0.71 की जगह पे 5/7 आप लिख सकते हो, ये देखो 7 × 6 = 42, ये 6/5 कितना होगा 30, ये क्योंकि इन मानों को रख के हम हल करेंगे ना, तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आपके विकल्प मिलते हैं वो मिल जाएंगे, कंफर्म मिल जाएंगे, इतनी एक्यूरेट नहीं लेता है,
नियर अबाउट मिल जाएंगे, हम ट्रिक कर लेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो उसी में अटके रह जाएंगे। अब देख लो, जैसे ये 24 है, ये आपको दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय 0.75, ये तो, ये तो 24 सिमिलर है भाई साहब, लिख लो। और 0.75 है, आप देख लोगे 0.75 के जगह पे लिख सकते हैं 3/4, ये हो जाएगा 3/4, 4 नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो पहले इसको काट दो ना, 3 8 24, 8 बार में कटेगा, और ये नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में, तो 8 4 32 आ गया आंसर। ऐसे ये 18 है तो आप लिख लो 18, 0.33 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/3 हो जाएगा, 1/3, 3 नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 18 कितना हो जाएगा, 54। देखो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन आसानी से हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपनी बातों पे आते हैं, फील करेंगे आप, ये इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बनाया गया ट्रिक को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों को आसानी से कैलकुलेट करने हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, नहीं रखोगे तो फिर आपके बस की बात नहीं होगी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करना, ठीक। सेकेंड देखेंगे, इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको ऐसे कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे, उससे भी आसान ट्रिक बता रहे हैं। कहोगे सर ये तो गुणा कर लेंगे, गुणा करोगे तो भाई कुछ टाइम लगेगा, 0.87 इंटू 0.4 है, मुझे पता है आप गुणा कर लोगे, लेकिन उससे भी आसान सा ट्रिक मैं दे रहा हूं कि बिना गुणा किए भी पहले एक बार देख लेना कि आंसर लगा है कि नहीं लगाया, उसका ट्रिक ये रहेगा भाई, लास्ट का गुणा कर लो भाई, 7 को कितना हो गया, 28, 28 का क्या लिखते हैं, 8, देखो लास्ट में कहीं 8 है, यहाँ पे खत्म, एकदम आसानी से ऐसे ट्रिक करोगे। कहोगे सर अगर किसी और में 8 दिया होगा तो तब गुणा करोगे, भाई एक में 8 दिया है तो जब नहीं, दो एक और किसी में दिया रहता तो क्या करते, तो सब गुणा करते, जब नहीं है तो गुणा की जरूरत, यह बस गुणा किया आया फौरन ट्रिक कर दिए, 2 सेकंड में आंसर फाइनल हो गया। देखो आपके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होनी चाहिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होनी चाहिए तब जाके आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, इसलिए आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ यहां देखो, कहोगे सर ये कैसे करेंगे, भाग देना है फिर 20 तो बंडर होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, फील करोगे जरा, अभी आपकी फील अगर ठीक है तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ये आपको मिला 1514 डिवाइडेड बाय 489, देखो 1514 लगभग 1500 के करीब है और 589 लगभग 500 के करीब है, सॉरी 1514 नियर अबाउट 1500 के करीब है, 1500 करीब और 489 जो है वो लगभग 500 के करीब है, इसको ऐसे नियर अबाउट मान के लिख लेते हैं। देखो 0 से 0 मर गया, 5 से यहाँ क्या हो गया 15, कहोगे इसमें 3 तो हम तो नहीं ट्रिक करेंगे, 3 है 3 नहीं मारना है, मार दोगे गड़बड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, और जब अंश बड़ा है और हर छोटा है तो इसका मतलब जो हमें मान प्राप्त होगा वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, हाँ अगर अंश बड़ा रहता हर छोटा रहता तो जो मान प्राप्त होता वो 3 से छोटा होता, बट अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो जो मान मिलेगा वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और आप देखो 3 से थोड़ा सा ज्यादा जो वैल्यू है भाई तो 3.4 बहुत ज्यादा है, 3.096 थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो इसका मतलब यही आएगा, करके देख लेना यही आएगा, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, 1514 है नियर अबाउट 1500 के करीब है, फील करना पड़ेगा तुम्हें, ये 489 है नियर अबाउट 500 के करीब है, फील करना पड़ेगा, तो ऊपर 1400 उधर ऊपर 15 नीचे 500, 2 0 से मर जाएगा, 3 5 15। अब देख क्या रहे हम ये देख रहे हैं कि इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है,
इसका मतलब कि जो वैल्यू मिलेगा वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा देख लिए, ये मिला। ओके नेक्स्ट, ये आ गया 1280 और बटे 485, ये बराबर होगा। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और आप ट्रिक करके बताओगे कि ए बी सी डी और में से, सॉरी ए बी और सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। सिमिलर वैसे ही ये बेसिक मैथ है यार, और मैं बता रहा हूँ कि बेसिक मैथ का आना आपका 101% जरूरी है। बेसिक मैथ अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपके बस की बात नहीं है, आप बोर्ड को भी ठीक नहीं क्वालिफाई करोगे, कॉम्पिटिटिव तो वैसे भी जाएगा, इसलिए आपका बेसिक मैथ आना जरूरी है। बेसिक मैथ सीख गया, सारा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ ये भी देखो, इसको भी आप आराम से कैलकुलेट करोगे। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा है एक गेंद को 122.5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कह रहा फ्लाइट का टाइम, फ्लाइट गिरने का टाइम, उड़ान का समय क्या होगा, और उड़ान का समय ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला दे रखा है भैया, टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h डिवाइडेड बाय जी। टी इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय जी, इसको देखो, कहोगे सर इसमें एक तो ये 122, अब खुद ही देखो ना, 2 लिख लो, और ये एच है, एच की वैल्यू दे रखा है 122.5, जी की वैल्यू दे रखा है 9.8। अब देखो कहोगे सर ये गुणा करेंगे, फिर दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, फिर लास्ट में वर्गमूल का, एक बड़ा झंझट है, एक बड़ा लोचा है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप सिंपल समझ लो, अंडर रूट लगाओ, ये 2 लिख लो, 122.5 नियर अबाउट 125 के करीब है, 122.5 125 के करीब है, और 9.8 लगभग 10 के करीब है, 9.8 लगभग किसके करीब है, 10 के। आइए देख लो, 125 दुनी के हो जाएगा 250 और नीचे आपका हो गया 10, अंडर रूट लगा लो, इससे ये मर जाएगा, और 25 में 1 से भाग देंगे तो अंडर रूट में 25 मिलेगा, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 5 सेकंड लगेगा, लगा के देखो वही आएगा, एकदम आप लगा के देखो वही आएगा, 101% 5 सेकंड से ज्यादा नहीं आएगा, वही आएगा। ये होती है ट्रिक, मैं बोला हूं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क अगर नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन आता रहेगा लेकिन कैलकुलेशन ठीक ना होने की वजह से सारा टाइम आप उसी में खोदोगे, इसलिए आपको कैलकुलेशन के साथ साथ ट्रिक आनी चाहिए, विदाउट ट्रिक आप क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट, देखेंगे आप इसके बाद, ये फर्स्ट लेक्चर में शायद इतना ही था। इसके बाद जो घातांकों के रूल्स हैं वो आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, इसलिए इसमें अगर किसी प्रकार की डाउट होगी तो आप हमसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, बेहिचक बातें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भरेंगे, मैं देखूंगा, निश्चित तौर पे मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। इसलिए फिर एक बार कह रहे हैं, आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करेंगे, उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए ये बातें जो पैसे दे के बैच खरीदते हैं और उनको इतनी बेहतरीन कंसेप्ट भी नहीं मिल पाता है, इसलिए आप उन सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।